वो ईश्वर हर जगह है कि नहीं है मैं तो नहीं जानता हूँ, मैं विश्वास क्यों करूँ, ये तुम्हारा पहला सवाल था। इसके दो जवाब संभव है। एक संभव तो अगर कोई श्रद्धा वाला है वो तो कहेगा कि हाँ है, क्योंकि इतने बड़े बड़े लोगों ने कहा है, गुरु ने कहा है, कृष्ण ने कहा है, जो भी किसी ने भी कहा होगा, ऋषियों ने कहा है, तो ईश्वर है, फाइन। सवाल आता है जो विज्ञान सीखते हैं उनको दिक्कत आ जाती है, लेकिन किसी से कहने से थोड़ी ना हम विश्वास कर सकते हैं, हमको तो खुद अनुभूति चाहिए। अब आज का जो भजन लगा था वो कौन से राग में है? भजन तो सुना तुमने, फिर तुमको राग क्यों नहीं पता चला? क्योंकि तुमको वो ज्ञान नहीं है। तो कोई ये कहेगा ऐसे ही तुमको ईश्वर समझने का ज्ञान नहीं है, तो कहाँ से पता चला? ईश्वर तो है, हर जगह है, वो तुमको दिखाई नहीं देता है क्योंकि तुमको शास्त्रीय संगीत नहीं समझता है। आज का भजन अहिर भैरव राग में है लेकिन तुमको नहीं समझा क्योंकि वो अंग तुमको नहीं है। तो अगर वो नहीं समझता है तो ये तर्क के द्वारा ऐसे कहा जा सकता है कि दैट इज योर प्रॉब्लम, तो सीखो। ईश्वर महसूस करने की जो तरीके हैं अलग अलग तरीके हैं, ज्ञान मार्ग है, ध्यान मार्ग है, भक्ति योग है, सीखो, सीखोगी तो महसूस हो जाएगा। इसलिए जो कहता है कि मुझे नहीं, मुझे दिखा दो ईश्वर, तो देखने के लिए कुछ क्षमता तो अर्जित करनी पड़ेगी। वो ऐसा आइसक्रीम थोड़ी है कि पैसा दिया और ईश्वर मिल गया, तो क्षमता अर्जित करो। ये दूसरा तर्क दिया जा सकता है कि ईश्वर तो हर जगह है, यही सत्य है, तुमको नहीं दिखाई दे रहा है तो बेटा कुछ मेहनत करो तो दिखाई देगा। लेकिन फिर भी तर्क करने वाले आदमी को इससे भी समाधान नहीं होता है कि मुझे तो नहीं दिखाई दिया, तो मुझे अब तक नहीं दिखाई दिया, मैं क्यों विश्वास करूं? तो ये भी कहा जा सकता है नहीं विश्वास करो तो मर जाओ, क्या बिगड़ेगा? ईश्वर का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुमने विश्वास नहीं रखा तो। अगर लेकिन मैं दूसरा उदाहरण दूंगा, उससे कुछ ध्यान में आता है कि देखो उपनिषद की कहानी है। कहानी ऐसी है कि एक देहात में एक बूढ़ा रहता था, वो एक दिन मर गया। मरते समय उसने ऐसा मृत्यु पत्र लिख के गया कि मेरे पास संपत्ति सिर्फ मेरे पास बैल है, तो मेरे मरने के बाद मेरे जितने बैल हैं उनमें से आधे बैल बड़े लड़के को दिया जाए, वो सारे घर का कुनबे का जिम्मेवारी संभालने वाला है, उसको आधे बैल दे दिया जाए, दूसरे लड़के को 1/3 बैल दे दिया जाए, और तीसरा बहुत छोटा है वो तो अपने कमा लेगा, तो उसको 1/9 बैल दिया जाए। हाफ, 1/3, 1/9। दिक्कत ये हुई कि बैल थे 17, हाफ कैसे करोगे, 1/3 भी कैसे करोगे, 1/9 बैल तो काटने पड़ेंगे। तो झगड़ा मिटे नहीं, हर कोई कहे कि नहीं 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 मुझे ज़्यादा बैल चाहिए। तो फिर गांव के मुखिया को बुलाया, वो मुखिया अपने बैल पे बैठ के धीरे 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 आया, बूढ़ा था, उतरा, अपना बैल उसने बांधा, फिर उसको कहा गया ये ऐसी ऐसी परेशानी है। तो मुखिया ने सोचा, फिर उसने कहा ठीक है ऐसे करो, बोले तुम्हारा बाप मेरा मित्र ही था, तो अब वो गया है तो मैं उसकी जगह हूँ, तो मेरा बैल भी अब इसमें शामिल कर लेते हैं। तो बैल उसने उसमें जोड़ दिया, अब बैल कितने हुए, 18 का हाफ दे दिया एक को, कितने गए, 1/3 दिया दूसरे को, कितने गए, 6, तो 9 और 5, 9 और 6, 15, और 1/9 तीसरे को दिए, 2, कितने हो गए, 17, और अपना एक बैल लेके वापस चला गया। प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया और वो बैल रखा था वैसे ही वापस गया। तो अब जो मूर्ख होगा वो कहेगा मैं नहीं उस बैल को लूंगा, कैसे, वो बैल तो मेरे बाप का नहीं है, उसको कैसे लूंगा। और जिसको प्रॉब्लम सॉल्व करना है वो कहेगा अच्छा है कि वो बैल लिया भी और वापस वैसे के वैसे चला भी गया, तो एक्चुअली फर्क कुछ भी नहीं पड़ा और प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। मैं जब 6ठी में था हमको बीजगणित शुरू हुआ और मैं अड़ गया। टीचर ने कहा समझो कि क्ष है, मैंने कहा कहाँ है, अरे समझो, ऐसे कैसे समझूंगा भाई, आप मुझे बेवकूफ़ बना रही हैं क्या, क्ष समझ लो, कहाँ दिखाओ तो सही मुझे क्ष कहाँ है।
और जो है नहीं उसको मैं समझ लूँ और फिर गणित सुलझाएंगे, आप मुझे ट्रिक कर रही हैं, मैंने रिफ्यूज कर दिया। तो 6 माह मेरे बल्ले बीजगणित कुछ पढ़ा ही नहीं, क्योंकि मैं क्ष को इमेजिन करने के लिए इनकार करता रहा। तो ये जो ईश्वर है ये 18वें बैल जैसा है या बीजगणित के क्ष जैसा है, उसको मान लेने से इक्वेशन के बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं, नहीं मानने से गाड़ी अटक जाती है। अच्छा, मान कर भी ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, वो बैल वैसा का वैसा वापस ही चल गया, ऐसा नहीं कि उसे ईश्वर पे हम कुछ निर्भर रहे। तो ऐसे अलग अलग ढंग से आर्ग्यू किया जा सकता है, या तो कि तुमको उसको देखने की क्षमता अर्जित करनी पड़ेगी, ऐसे आसमान से टपका नहीं है वो तुम्हारे लैप में, या तो वो कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को मान लेने से बहुत सारी समस्याएं सॉल्व हो जाती है। लेकिन अगर हट कोई पकड़ के मुझे समस्या नहीं सॉल्व करना, तो बस मुझे मानना ही नहीं है, मत मानो भैया, पड़े रहो समस्या में। तीसरा ये सवाल पूछा जा सकता है कि दुनिया में आज कितनी जनसंख्या है, 7 बिलियन ऐसे कुछ तो भी होगी। मैंने आखिरी जो पढ़ा उसके बारे में, उसमें ऐसे कि करीबन 90% पीपल ईश्वर में विश्वास रखते हैं। अब 90% विश्वास रखते हैं, इससे ये नहीं सिद्ध हो जाता है कि ईश्वर है, 90% गलत भी सोच सकते हैं, लेकिन इससे ये सिद्ध हो जाता है कि ये इंसान की कॉमन ज़रूरत है। ईश्वर है कि नहीं, मेरे हिसाब में ये सवाल ही गलत है। ईश्वर की ज़रूरत है कि नहीं, ये सवाल है। एंड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स बिलियंस ऑफ पीपल हैव फेल्ट दैट नीड। नाउ इन माई इंटेलेक्चुअल अरोगेंस आई कैन से वो सब बेवकूफ थे, उनकी ज़रूरत सब काल्पनिक थी, सब झूठी थी, सब बेवकूफ थे। तो मैं दुनिया भर की सारी इंसानियत को पूरे इतिहास के 10,000 सालों में उनको बेवकूफ़ कह के, मैं अगर एक अकेला किसी आइलैंड पे जाके रह सोचना चाहता हूँ कि मैं दुनिया का सबसे बुद्धिमान हूँ, तो रहे भाई सिर्फ पागल हो जाओगे और कुछ नहीं, उसी को साइकोसिस कहते हैं। तो इसलिए ईश्वर ये इंसान की कॉमन यूनिवर्सल ज़रूरत रही है। वो है या नहीं ये सवाल अलहदा, पहली बात तो ये यूनिवर्सल ज़रूरत है, ये कोई एक आदमी की फ्रीक आइडिया नहीं है। दूसरा कि उस ज़रूरत से मेरे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। तो अगर वो मेटाफर भी है, रूपक है, समझ लो कि ईश्वर एक रूपक है, तो भी उससे मानने से अगर मेरे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, और वो तो वैसे के वैसे अलग ही रह जाता है। तो दोनों ढंग से इसको आर्गू किया जा सकता है कि ईश्वर है लेकिन मुझे समझने की वो क्षमता नहीं है, वो मुझे अर्जित करनी पड़ेगी, मुझे मेरे भीतर भक्ति भाव लाना पड़ेगा, वो नहीं है। तो नहीं है तो ये मेरी खामी है ना, मैं मेरी खामी को इंटेलेक्चुअल एरोगेंस में कन्वर्ट करके कहता हूँ औरों को कि तुम्हारा एहसास झूठा है, ये तो खूब हो गया भाई। अगर मैं कहूँ कि मुझे उस भजन में अहिर भैरव सुनाई दिया और तुम कहो कि अहिर भैरव है ही नहीं कुछ ऐसे, तो मैं इतना ही कहूँगा कि बेटा तुझे समझ नहीं है तो मेरी समझ को क्यों बर्बाद कर रही हो। तो वैसे ही या तो ईश्वर समझने के लिए भक्तिभाव अर्जित करना पड़ता है, या ज्ञान मार्ग होता है जो ईशावास्य उपनिषद का मार्ग है, या तो तीसरा कि कुछ तो कवि कल्पना होनी चाहिए कि नहीं। मैं ऐसे मानता हूँ कि ईश्वर की अगर ये कल्पना है तो ये पूरे ह्यूमैनिटी की सबसे बड़ी सुंदर कवि कल्पना है, इससे बड़ी तो लॉफ्टी कोई कवि कल्पना कभी किसी ने की ही नहीं, कि ऐसा कोई फोर्स है जो यूनिवर्सल है, हर जगह है। तो किसी भी ढंग से देखूं तो ईश्वर या तो उसकी जरूरत प्रस्थापित होती है या तो उसका अस्तित्व प्रस्थापित होता है। अब इसके बाद क्ष को मानना या नहीं मानना, या 18वां बैल को इक्वेशन में लेना या नहीं लेना, तुम्हारा सवाल है। तो ईशावास्य उपनिषद में ईश्वर की कल्पना इस ढंग से की है। भारतीय परंपरा में ईश्वर की कल्पना निर्गुण भी है और सगुण साकार भी है। निर्गुण का मतलब उसका कोई रूप नहीं, कोई उसको गंध नहीं, कोई उसको गुण नहीं है। जैसे हवा है, हवा न दिखाई देती है, वैसे ही अदृश्य रूप में एक एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल विच इज प्रेजेंट एवरीवेयर एवरी मोमेंट, उसको ईश्वर कहा गया है। गांधी जी ने इसका एक जो जवाब दिया वो कह के मैं इसको ख़त्म करूँगा,
गांधी जी ने ऐसे कहा कि ये जो ईश्वर ईश्वर कहते हैं ये क्या है। तो वो जब दक्षिण अफ्रीका से यूरोप गए थे तब रोमा रोलां से उनकी मुलाकात हुई थी। रोमा रोलां एक फ्रेंच साहित्यिक थे, नोबेल प्राइज विनर थे। तो उसके बारे में उनकी जो मुलाकात हुई उसमें क्या कॉन्वर्सेशन हुआ, गांधी जी ने एक जगह लिखा हुआ है। उन्होंने कहा कि मैंने रोमा रोलां को, रोमा रोलां ने मुझे यही पूछा कि आप ईश्वर में विश्वास करते हैं और ईश्वर का रूप क्या है। तो इन्होंने ऐसे कहा कि ईश्वर ये कोई व्यक्ति रूप नहीं है, यानी राम का रूप, कृष्ण का रूप, या बुद्ध का रूप, या क्राइस्ट का रूप, ऐसा कोई रूप ईश्वर को नहीं है। ईश्वर ये एक तत्व है, प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल का कोई रूप नहीं है। ग्रेविटी का क्या रूप है? नहीं है। ग्रेविटी है तो जिसका कोई रूप नहीं है ऐसा भी प्रिंसिपल तो होता है दुनिया में, तो वो कौन सा प्रिंसिपल है? तो बाद में और जगह गांधी कहते हैं कि सत्य ये जो प्रिंसिपल है दैट इज गॉड। तो जिनको ईश्वर की कल्पना में विश्वास रखने में दिक्कत जाते हैं वो ईश्वर को रिप्लेस कर दे सत्य से, दैट्स ऑल। बाकी तुम देखोगे कि सभी एक जैसे ही, हम कहते हैं ईश्वर हर जगह है, सत्य हर जगह है, बल्कि जो हर जगह है उसी को सत्य कहते हैं। सो इज गॉड ट्रूथ और ट्रूथ इज गॉड, एक ही इक्वेशन के दो पहलू हैं।